नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। बोकारो उपायुक्त कार्यालय के समक्ष शुक्रवार को झारखंड आंदोलनकारी युवा मोर्चा की अगुवाई स्थापित युवा दंडवत कर आंदोलन कर रहे हैं। विस्थापितों ने उपायुक्त कार्यालय के मुख्य गेट के समक्ष दंडवत प्रणाम कर एसटीओ के स्तर में हुए त्रिपक्षीय वार्ता को लागू कराने की मांग करते नजर आए। आंदोलन कर रहे सभी विस्थापित उत्तरी क्षेत्र के रहने वाले हैं, जहां बोकारो स्टील के द्वारा त्रिपक्षीय वार्ता के बाद 9 किलोमीटर तक बाउंड्री वॉल का निर्माण इस शर्त पर कराया गया था कि गांव के रहने वाले विस्थापितों को नियोजन दिया जाएगा। त्रिपक्षीय वार्ता वर्ष 2009 में किया गया था, लेकिन आज तक वार्ता के अनुरूप प्रबंधन के द्वारा वादे को नहीं निभाया गया। इसी को लेकर आज सभी विस्थापित इस तरह के दंडवत आंदोलन करने को मजबूर हैं। इस संबंध में संघ के अध्यक्ष ललित नारायण ने कहा कि लोग सावन के महीने में बाबा धाम जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, लेकिन हम जिले के मालिक के पास दंडवत कर उन्हें ये बताने आए हैं कि हमारे साथ हुए त्रिपक्षीय वार्ता को लागू करें या हमारी जमीन को वापस करें, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग यहीं सर पटक पटक कर अपनी जान दे देंगे। एसटीओ के त्रिपक्षीय वार्ता में लिए गए समझौता को वापस लो, बोला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रबंधन होश में आओ, बस प्रबंधन होश में आओ। तो मेरा यही कहना है कि आप जमीन लिए और जमीन त्रिपक्षीय वार्ता के समझौता पर लिया गया है, तो एसडीओ के साथ लिखित वार्ता हुआ है, तो जब लिखित वार्ता का अनुपालन अगर प्रशासन नहीं करती है, इसीलिए आज हम लोग दंडवत प्रणाम प्रार्थना कार्यक्रम करने के लिए यहां पर आए हैं और डीसी से गुहार करते हैं कि आप इस पर न्याय कीजिए, क्योंकि आप प्रशासन के मालिक हैं, जिला के मालिक हैं और जनता के सेवक हैं, ये नहीं कि आप कंपनी के हैं। तो जब जनता के लिए आप हैं, जनता के लिए आप इस सीट पर हैं विद्यमान, तो आपका भी गरिमा का ख्याल है, आपका भी मान मर्यादा का ख्याल है, तो आप यही हम आग्रह करने के लिए आए हैं, आपसे विनती करने के लिए आए हैं। देखिए, हिंदू धर्म में आज हम लोग देवघर जाते हैं, लेकिन आज हम लोग विस्थापित यही को इसी को देवघर मान करके हम लोग अपने प्रार्थना करने के लिए, न्याय के लिए, न्याय के भीख मांगने के लिए हम लोग आए हुए हैं कि हम लोग का न्याय का भीख दे दीजिए, क्योंकि प्रशासन के साथ में लिखित हुआ है, प्रशासन के साथ में समझौता हुआ है। अब प्रशासन के साथ में समझौता होने के बावजूद भी आप हमें नहीं करते हैं, तो हम लोग अंतिम बार हम लोग यही कहना चाहते हैं कि अगर नहीं होगा तो यही डीसी ऑफिस में हम लोग पटक पटक के माथा जाम दे देंगे, लेकिन हम लोग अपना नियोजन को नहीं छोड़ेंगे, और नहीं तो मेरा जमीन वापस कर दे, क्योंकि प्रशासन